हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे बड़ी भर्ती 2021 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एंड अप्लाई आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेलवे की चार सीधी भर्तियों के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 3000 से ज़्यादा खाली पदों पर ये भर्तियाँ रखी गई हैं। 10वीं पास, 12वीं पास और ITI पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की जॉब में आपके लिए लिख रहे हैं ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन नौकरी अड्डा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एंड आपको यहां पर जो पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा, जो आपको सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज, यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं जो हमारी आज की टॉप लेटेस्ट चार बड़ी भर्तियां रेलवे भर्ती 2021 के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर की वैकेंसी आती है। एंड दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, अगर हम डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे से वैकेंसीज हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो अप्रेंटिस के पद पर ये वैकेंसीज रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2532 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई, लार्ज पद रखे गए। एंड दोस्तों, इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग किस स्टेट से मेरी वीडियोज़ को सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, और मैं आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। सो सबसे अगर हम बात कर ले पे स्केल के बारे में, तो अप्रेंटिस रूल्स के आधार पर आपको जो है पे स्केल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास और ITI पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट जाएगी, एंड OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC से 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। SC ST PWD एंड वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम आपकी कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। ऑनलाइन आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब रहेगी दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। RRCCR.com आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। एंड इसी के साथ में इंपॉर्टेंट डेट की बात की तो 6 फरवरी 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, एंड 5 मार्च 2021 से इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आती है WCR रेलवे रिक्रूटमेंट से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे से वैकेंसीज हैं। अप्रेंटिस के पद पर 561 पदों पर ये भर्तियां रखी गई हैं। एंड पे स्केल जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। 10वीं पास और ITI पास कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल एज लिमिट रखी गई है। एज में छूट आपको गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार दी जाएगी। अदर्स कैंडिडेट से 170 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, एंड इसी के साथ में 100 रुपये जो है आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, एंड पोर्टल फीस आपकी 70 रुपये रहेगी विद GST, SC ST एंड PWD फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट से 70 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, एंड पोर्टल फीस आपकी 70 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर रहेगा। यहाँ पर आपकी ना तो कोई एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, ना ही आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और ना ही आपका कोई ओरल टेस्ट का कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MP आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। पूरे भारत के महिला और पुरुष कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो WCR.IndianRailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, या फिर आप MP online.gov.in पर जाकर के भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी, एंड 28 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका एरर है उसे करेक्शन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी मेरी आती है SCR रिक्रूटमेंट से, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से वैकेंसीज है। स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप सी के पद पर, एंड वेरियस पद यहाँ पर रखे गए हैं। 5200 से 20200 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। 12वीं पास कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल ओबीसी से 500 रुपये, एससी एसटी वुमेन कैटेगरी से 250 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। एंड इसी के साथ में कोई भी एग्जाम आपके यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। स्पोर्ट ट्रायल्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम आपकी रहेगी। ऑल इंडिया की जॉब है दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। sector.indianrailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 23 फरवरी 2021 लास्ट डेट रखी गई है। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट वैकेंसी जो हमारी आती है BLW इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट से, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स इंडिया रेलवे भारतीय रेल से वैकेंसीज हैं। ITI एंड नॉन ITI अप्रेंटिस के पद पर 374 पद रखे गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 10वीं पास और ITI एंड 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में 15 से 22 और 24 साल एज लिमिट रखी गई है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। एंड रिजेक्ट कैटेगरी से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब रहेगी दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट इन भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BLW.indianrailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट रखी गई है। सो 15 फरवरी से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर लें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको जो है TTE की वैकेंसीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पहले दी है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि भारतीय रेलवे में होंगी 2500 नई TTE की भर्ती। देश के सभी जोनल रेलवे और भर्ती बोर्डों को दिए निर्देश। सो यहाँ पर जो है जल्दी ये जो 2500 नई TTO की भर्ती है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगी। एंड जो है सभी जो रेलवे के जो जोनल थे उनको यहाँ पर जो है निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत ही जल्दी ये जो है वैकेंसीज यहाँ पर करवा ली जाएंगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ 2500 नई TTE की भर्ती होगी। इस संबंध में जोनल रेलों और भर्ती बोर्डों को निर्देश दे दिए गए हैं। और यहाँ पर जो हालात यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2500 TTE की भर्तियों का फैसला लिए जाने के बावजूद इन्हें भरने में उदासीनता दिखाई जा रही है। क्षेत्रीय सब भर्ती बोर्डों का रवैया भी ऐसा ही है। उन्होंने दो साल से TTE की कोई भर्ती नहीं की है। बैठक के इस कमी को दूर करने के लिए रेलवे जोनल के TTE रिक्तियों को सृजित करने तथा क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों का भर्ती के इंतजाम करने के निर्देश दिए। मतलब कि दोस्तों अब जो है बहुत ही जल्दी इन भर्तियों को भर लिया जाएगा, क्योंकि 2 साल से कोई भी वैकेंसी जो है, कोई भी भर्ती जो है TTE की नहीं की गई है। तो उसके लिए जो है पर थोड़ी सी मतलब मीटिंग की गई थी एंड जो भी अधिकारी हैं उन्होंने एंड यहां पर जो है ये निर्णय लिया कि जल्दी इन भर्तियों को पूरा करवा लिया जाएगा। इसी के साथ में आप यहां से चेक कर सकते हैं दोस्तों, रेलवे 3 साल में देगा 4 लाख नौकरियां। एंड यहां पर आप चेक कर सकते हैं, रेलवे मंत्री बोले गरीब श्रेणियों को मिलेगा आरक्षण। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं जो वैकेंसीज हैं एंड जो वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहां पर देता हूं दोस्तों, यहां पर 99,000 पदों पर जुलाई अगस्त 2021 में ये जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म होने वाले, इनकी नियुक्ति हो जा रही थी लेकिन अभी तक ये फॉर्म पूरे कंप्लीट नहीं हुए। इसी के साथ में TTE के 1000 पदों पर जो है भर्तियां होने वाली है। एंड अभी दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखिए इंडियन रेलवे से वैकेंसीज हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, इंडियन रेलवे भारतीय रेल से वैकेंसीज रखी गई हैं ट्रेन क्लर्क के पद पर। एंड 592 पद रखे गए हैं। 592 पदों के साथ साथ में 19,900 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल जो है इसकी एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब रहेगी दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। indianrailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। एंड लास्ट जॉब की रहेगी, जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस भर्ती के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की टॉप लेटेस्ट बड़ी भर्तियां। वीडियो कैसी लगी है एंड जो भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इनसे अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके जो पूछेगा। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जो बताएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद दोस्तों।